प्रदेश के समस्त शिक्षा भाइयों बहनों, मैं जितेंद्र शाही 17/10/2020 का ऑडियो आपके बीच में प्रेषित कर रहा हूं। शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, मैं ऑडियो अपना नहीं भेजना चाहता था, लेकिन मेरे पदाधिकारी और मेरे प्रवक्ता मेरे अजीज भाई जावेद भाई का दबाव था ये आज आपका ऑडियो जरूर ग्रुपों में आना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मित्र कुछ हतोत्साहित है। लाजमी हतोत्साहित होना, क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर ही जन्म लिए और सोशल मीडिया पर ही वह रह जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आपके भविष्य पर ठोकर मारने का भरसक प्रयास करते हैं, पूरा मारने का प्रयास करते हैं, मार नहीं पाएंगे, उनके मंसूबों पर पानी फेर कर दिखाऊंगा। कल से ज़्यादा सोशल मीडिया पे कुछ चर्चा चल रही है, मैं भी अचंभित हूँ, लेकिन मैं विचलित नहीं हूँ। विचलित इस नाते नहीं हूँ, मैं अपने कार्यों को अंजाम तक पहुँचाने का कार्य कर रहा हूँ। और शायद आप जान भी गए होंगे कि कोरोना काल में कोई भी व्यक्ति घर से नहीं निकला, आपके लिए, हम सब के लिए, लेकिन आपका भाई चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे तूफान हो, उसमें भी आपका भाई सुख और दुख का सहयोगी के रूप में कार्य करता है। आप देख भी लिए होंगे, परख भी लिए होंगे, लेकिन कुछ घुसपैठियों के बीच में आप फंस जाते हैं और उस घुसपैठियों के बीच में फंसकर अपने भविष्य पर ठोकर मारने लगते हैं। गलतियां हुई हैं, 3.5 साल दिखाया जाता है, 3.5 साल का स्वप्न दिखाया जाता है, 3.5 साल बीत गया, गलतियाँ हुई हैं। जब जब मैं पटरी पर लाने का कार्य किया हूँ, तब तक कुछ न कुछ नित नए कर्म किया गया है और उस कर्म का अंजाम आप जानते हैं क्या मिला आप तक। लेकिन फिर भी मैं विचलित नहीं हूँ, न हतोत्साहित हूँ। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, नर हो न निराश करो, कभी आप नर निराश हो। कल की बातों से आपको बहुत वेदना और पीड़ा हुई होगी, लेकिन मुझे पीड़ा हुई, लेकिन मैं पीड़ा को पीड़ा में नहीं, पीड़ा को प्रसाद में ले लिया। उदाहरण स्वरूप आपको देना चाहता हूँ कि जब बच्चा गोदी में टट्टी पेशाब पैखाना कर देता है तो पिता उस गोदी को काट कर नहीं फेंकता है, धोने पोछने का कार्य करता है, डांटने फटकारने पुचकारने स्नेह और प्यार आशीर्वाद देने का कार्य करता है। किसी भी पार्टी का मुखिया जब प्रदेश का नेता बनता है, प्रदेश का मुखिया बनता है, जनता उसकी सेवक होती है और जनता का सेवक वो मुखिया होते हैं, और मुखिया का कर्म ही है डांटना पुचकारना स्नेह देना प्यार देना आशीर्वाद देना। उससे आप पिछली हतोत्साहित कतई ना हो, आपका भाई आपके साथ है, आपके कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, कितना किया है कितना नहीं किया है उसका प्रदर्शन मैं सोशल मीडिया पे नहीं करूँगा। कुछ दिनों बाद खुद सामने दिखाई देगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, धैर्यता अपने आप पर जरूर रखें, अपने आप को धैर्य रखें, अपने आप पर नियंत्रण करें, घुसपैठी आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। मैं आपके बीच में इसी नाते आज आया हूँ, मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता, इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जब सुख होता है तो सभी लोग बाबाई लूटने आते हैं, जब दुख होता है तो तेरी नहीं चलती मेरी चलती, मेरी नहीं चलती तेरी चलती, इस बात को चरितार्थ करते हैं और पतली गली से सरक लेते हैं। लेकिन मैं पतली गली को न देखा हूँ न देखना चाहता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और खड़ा अंतिम क्षण तक रहूँगा, और आपके भविष्य को उज्जवल कराने का जो प्रयास है, जो लक्ष्य है, उसको जरूर करके दिखाऊँगा। आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन का हर पदाधिकारी ईमानदारी का प्रतिमूर्त है। इक्का दुक्का मेरे में भी कुछ पदाधिकारी थे अनुशासनहीनता किए, उनको घर का रास्ता दिखा दिया,
मैं अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं करता। इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आप अपने कार्य को अंजाम तक पहुँचाने का कार्य करिए। आपका भाई आपके भविष्य उज्जवल कराने का प्रयास करेगा। कुछ समस्याएं थी कुछ जिले की, जैसे फरुखाबाद जनपद का 3 महीने का मानदेय बाधित था, वो भी दीपावली के पहले भुगतान कराने का प्रयास कर दिया हूँ। कानपुर नगर के 2 महीने का मानदेय बाधित था, उसको भी भुगतान दीपावली के पहले प्रयास कर रहा हूँ। और प्रसदी शिक्षा मित्र और सर्व शिक्षा अभियान के शिक्षा मित्रों का भी मानदेय दीपावली से पहले ससमय भुगतान कराने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन जिस जिस जनपद का मानदेय नहीं मिल पाया है उसकी सूचना जावेद भाई को जरूर दे दें, क्योंकि उसी सूचना पर आगे की कार्रवाई आपके बीच में आएगी, आपका समय से भुगतान हो जाएगा, आपका भविष्य उज्जवल है, उज्जवल रहेगा, आपका भविष्य कभी अंधकारमय नहीं होगा। इसी दावे के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय शिक्षक, जय शिक्षा।